डिशवॉशर की पैकिंग तो नॉर्मल पैकिंग आएगा, थर्माकोल आएगा, नीचे आएगा, इसमें कुछ ऐसा ट्रांजिट पॉइंट वगैरह खोलने के लिए तो नहीं होता? होता है पक्का, नीचे का एड्रेस लगता है तो इसमें कुछ भी खोलने करने के लिए नहीं है। डिशवॉशर आपने इंस्टॉल करना है तो इसी के यहाँ पे GPS ब्लॉक लगे होते हैं, थर्माकोल के पीस लगे होते हैं जिससे कि ये इंटरनली हिले नहीं, वो आपको रिमूव करना है। थर्माकोल के पीस लगे होते हैं, ठीक है। डिशवॉशर में जब हम यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो इंस्टॉल करने में हमें वाटर पाइप लगाना है, ड्रेनेज पाइप लगाना है, सेम एज इट इज जैसे वॉशिंग मशीन में लगाना है, इसमें और कुछ ऐसा पावर सेम सेम। लेबलिंग इसमें भी आप देखिएगा, लेबलिंग इसमें जो है जब आप लेबलिंग करेंगे तो इस तरीके से दोनों तरीके से लेबलिंग होगा, 90 डिग्री पर फ्लैट रहनी चाहिए, इसमें कुछ स्लांटेड स्लांटेड नहीं करना, फ्लैट रहना चाहिए जिससे पानी सब जगह एक ही जगह पंप के पास इकट्ठा हो, पूरा मात्रा में पंप पानी मिले, पूरा प्रेशर डाल देते, ठीक है। अब इसमें हम किस टाइप के यूटेंसिल्स वॉश कर सकते हैं, जैसे अभी भैया बोल रहे थे ना आज खाना खाया हमने बर्तन धो के दिखा, तो वो बर्तन इसमें नहीं हो सकते। जो यूटेंसिल्स हम इसमें सारे टाइप के वॉश कर सकते हैं, हो सकते हैं एक्सेप्ट वुडन, एक्सेप्ट कहीं किसी का बोन का कुछ लगा हुआ होता है हैंडल में, वो नहीं होना चाहिए, एक्सेप्ट वो वाला तुम्हारा आयरन कॉपर आयरन आयरन क्यों क्या नहीं करता, क्योंकि ये इधर पड़ा रहेगा रस्टिंग करता है, आयरन नहीं करता। और इस टाइप की कोई भी जिसमें ना स्पॉट पानी की बात हो जाते हैं, एल्यूमिनियम वगैरह भी आप कर सकते हैं, कुकर वगैरह सब कर सकते हैं, ठीक है। कोई इस टाइप के बर्तन जिसमें ना प्रिंटिंग हो ज़्यादा प्रिंटिंग शिंटिंग हो, देखो वैसे तो एक बहुत अच्छा होता है, एक दो तरीके की प्रिंटिंग होती है, एक प्रिंटिंग होती है कि जिस समय वो ओवन में बेक हो रहा होता है ना यूटेंसिल, उससे पहले कच्चे में प्रिंटिंग होती है और बेक होता है तकरीबन 800-850 डिग्री पर बेक होता है, तो वो प्रिंटिंग का कोई प्रॉब्लम नहीं होता, लॉन्ग लाइफ का। एक दूसरा होता है कि ऑलरेडी यूटेंसिल्स है और उसके ऊपर आप प्रिंटिंग करते, तो जो उसके ऊपर प्रिंटिंग करते हैं वो इंक प्रिंटिंग होती है, होती तो वो भी इंक ही है जो पहले से करता है, बट वो जो ऊपर वाला इंक रहता है ना वो धीरे धीरे फेड होता है, कलर भी फेड होता है, कभी कभी निकल भी जाता है। तो मेलामाइन वगैरह के बर्तन वैसे तो इसमें सबके ऑप्शन है, हम मेलामाइन भी धो सकते हैं, इसमें ग्लास भी धो सकते हैं, ग्लास के और स्टेनलेस स्टील भी धो सकते हैं। और किस टाइप के बर्तन आते हैं, टपरवेयर, ओके टपरवेयर वगैरह अगर आप धोते हैं तो उसमें आप देखोगे हर एक यूटेंसिल्स के पीछे कुछ सिंबल्स बने होते हैं, देखा आपने किसी किसी में सिंबल्स बने होते हैं, और कुछ उस 3-4 सिंबल्स होते हैं, इसमें कुछ एक होता है कि ऐसे ट्रायंगुलर बना होता है उसके अंदर 3-4-1-2 ऐसे लिखा रहता है, उसका मतलब कुछ बदलाएंगे आप, कुछ है उसका आइडिया, कुछ यूटेंसिल होगा ना अपने पास कुछ शार्ट का टैग होता है उसी टैग जैसा होता है, उसी तरीके से उसमें वो एम्बोज होता है, उसमें हम उसको माइक्रोवेव में यूज कर सकते हैं, नहीं कर सकते, माइक्रोवेव सेफ है, वो डिश वॉशर सेफ है, उसका रिसाइकल कितना है वो सब उसमें सिलोरा वेयर टपरवेयर और माइक्रोवेव सेफ प्रोटेक्टेड प्लास्टिक्स वो सब हम इसको कर सकते हैं, कर सकते हैं, तो उस टाइप के प्रोडक्ट यूटेंसिल्स हम उसमें वॉश कर पाएंगे। तो ग्लास वाला बिल्कुल, ग्लास के लिए तो स्पेशली ग्लास के लिए तो ये सबसे बढ़िया के लिए अच्छा रहेगा, उसके लिए सबसे बेहतरीन, ठीक है। तो हमने ये देखा कि हम इसमें कौन कौन से यूटेंसिल्स हमको अवॉइड करने, बाकी कौन से हम इसमें बोल सकते हैं, इसमें वाटर टेम्परेचर्स हार्डनेस टेस्ट सब सब प्रोग्राम मुश्किल दिया हुआ, ठीक है। इसके बाद आता है यहाँ पे जब आप इसमें करेंगे तो हम इंस्टॉलेशन के लिए जा रहे हैं तो हम इसको रिमूव कर सकते हैं, ठीक है, ये रिमूव कर देंगे। ये रिमूव करने के बाद आपको यहाँ पे एक चैम्बर मिलता है जिसको सॉल्ट चैम्बर बोलते हैं, रेजिन चैम्बर जो बनता है, तो इसके साथ आपको एक फनल भी मिलेगा, वो फनल मिलेगा और इसमें आपको सॉल्ट पोर करना है अराउंड कितना 3 केजी नहीं 1 केजी 1 केजी के 800-700 ग्राम 800 ग्राम के आसपास, ठीक है।
तो आपको 1 kg का पैकेट मिलता है बाजार से, वो आपको बच जाएगा उसमें थोड़ा बहुत, उसको आप डाल दीजिए और फिर पूरा फिल करना है। हाँ पूरा फिल कर दीजिए, नेक तक फिल कर दीजिए। नेक तक फिल करने के बाद दो ऑप्शन है, एक आप उसमें पानी डाल सकते हैं 1 लीटर के करीब, जो भी आ जाए, 1 लीटर नहीं बोलना सकते, पानी भी डाल सकते हैं, और अगर नहीं भी डालेंगे तो कोई बात नहीं, मशीन ऑटो मोड में ले सकते हैं। सॉल्ट डालेगा, पानी डालने का जरूरत है, वो ऑटोमेटिक ले लेगा। दोनों दोनों ऑप्शन है, डाल देंगे तो अच्छा है, डाल बैठ जाएगा, स्पेशली सोक हो जाएगा। नहीं, एक एक केजी का अभी सॉल्ट डालने के लिए बोल रहा हूँ, वो दो टाइप का सॉल्ट होता है ना, एक वाला, एक चेंबर के अंदर जो अगर जो डिशवॉशर सॉल्ट आएगा वही लेना, डालने को तो डिशवॉशर सॉल्ट में उसके लिए कितना पानी लेके आए सर, इसके लिए कोई पानी नहीं डाला, आपने सीधा इसमें डाल दीजिए, ऊपर डालने के बाद ढक्कन लगाया, डोंट कंफ्यूज योर सेल्फ, इट्स नॉट सो कॉम्प्लिकेटेड व्हिच वी आर थिंकिंग। सर वो जो चेंबर है वो कितना मीटर का है? 1 लीटर का, 1 लीटर का है ना, ठीक है। तो हमें इसमें सॉल्ट भर्ती करना, सॉल्ट डालने के बाद हमारे पास एक आता है रिनसेट, अरे कल लेके आए थे साहब हमारे, वो रिनसेट हम यहाँ पे भर्ती करते हैं। रिनसेट ये AID तो टैबलेट जो है इंडिया में मिलना मुश्किल है, आईएमबी तो अब सब कुछ बच जाके बेच रहे हैं, वो तो शैम्पू से सर्फ सब बेच रहा है, ये तो क्या है, ये अपना डिटर्जेंट है ना, सॉल्ट आ गया और एने के रिन साइड आ गया। एक इसके लिए सर रिन साइड ये लिक्विड है, पर्सन नहीं 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 ये तीनों चीजें इसमें इस्तेमाल हो, रिन साइड सर सॉल्ट का काम ये होता है, सॉल्ट का काम सॉल्ट उधर डालेंगे, उधर डालेंगे, ये क्या काम करता है, ये रेजिन बना करके उस जो चिकनाई है उसको चिकनाई निकालने में ये हेल्प करता है। इसमें कितना परसेंटेज वो रेसिन का वाटर ऐड होगा आपका फ्रेश वाटर में वो हम बतलाएंगे यहाँ पे कैसे सेट करना है। ओके, अब डिटर्जेंट आपको मालूम है, डिटर्जेंट जैसे हम नॉर्मल कपड़ा धोने के लिए बर्तन धोने के लिए वो उसी पर्पस के लिए रिनसेट डालने वाला, हाँ डिटर्जेंट यहाँ डालेंगे। रिनसेट जो है ये शाइनर है, जैसे ये समझ लीजिए हम शैम्पू करके एक बार कुछ लगा लेते हैं ना, आप तो शैम्पू करते नहीं होंगे सॉरी, कंडीशनर नहीं करते, डोंट टेक इट अदर डोंट टेक इट अदर। तो शैम्पू करने के बाद हम लोग कुछ लगाते हैं ना शाइनिंग के लिए ऐसे बाद में, तो ये रिनसेट क्या करता है, जो आपका यूटेंसिल है, हम अगर घर में भी बर्तन डालते हैं उसमें पानी रहता है, हम उसको थोड़ी देर के लिए उल्टा करके रखते हैं जिससे वो रिंस हो जाए, करेक्ट है। फिर भी अगर वहाँ पे फिर भी कभी रहता है, फिर भी अगर कभी रहता है उसमें, तो उसमें स्पॉट आता है। रिनसेट क्या काम करता है, रिनसेट उसका जो फाइनल रिंस में जब ये यूज होता है तो ये एक लेयर बनाता है उस यूटेंसिल के साथ, कंडीशनर आप बोल सकिए, वो जो लेयर बनाता है उस वो लेयर क्या करता है, उसको स्लिपी बना देता है, तो वाटर जो है ना वो पूरा का पूरा स्लिप हो जाता है, और ये एक जो सिरामिक है या फिर बोरोसिल या उस टाइप का कोई बर्तन है तो उसमें एक शाइनिंग भी देता है, चमक दे देता है। तो ये अगर हम नहीं डालेंगे तो इसके नहीं डालने से कस्टमर का एक ही शिकायत आता है कि बर्तन धुल गया लेकिन उस पर स्पॉट है, स्पॉट आता है। तो हम भी अगर घर में भी बर्तन वॉश करते हैं तो हम एक टॉवल लेके बाद में उसको थोड़ा सा पोंछ के फिर अपना प्रॉपर साइड में लगाते हैं ना, वो टाइप का काम करना पड़ जाएगा इसमें अगर, और वो जब ड्राई हो जाता है तो वाली पोंछने से नहीं जाता, फिर उसको दोबारा से गीला करना ही करना होता है, ठीक है। तो ये तीन जो एडिटिव्स हैं इनका आपको जानकारी हो गया, इसको क्यों क्यों डालना है, किस लिए डालना है, क्लियर। पाउडर जो है वो इसमें डालेगा, एक चम्मच रिनसेड इसमें डालेगा, और साइड ग्लास होता है, साइड ग्लास से पता चलता है। रिनसेड का रिनसेड क्या है कि आप इसमें भर दीजिए, यहाँ पे साइड ग्लास में अपने आप आ जाएगा। ओके, सॉल्ट भी आप उधर भरेंगे तो भी वो ये जितना उसका नेक टू नेक आ जाए उतना छोड़ दीजिए। इसके अलावा रिनसेड और सॉल्ट
इसमें है या इसमें नहीं है, इसका इंडिकेशन आपको डिस्प्ले में मिलेगा। जैसे हमारा बाइक में रहता है ना पेट्रोल है नहीं है बोल के, वैसा इसमें भी इंडिकेशन आएगा। वो अगर हमने नहीं डाला तो वो इंडिकेट करेगा इस तरीके से, दैट मीन्स नॉट फिल्ड। हम जैसे ही उसको भर्ती कर देंगे तो वो चला जाएगा, ऑफ हो जाएगा। फिर से जब वो खत्म होने को होगा वापस, अगर मान लीजिए मेरे को सॉल्ट है, रिन साइड खत्म हो गया, तो केवल रिन साइड का इंडिकेट करेगा, सॉल्ट का नहीं करेगा। ये तो एक महीना एवरेज चलता है, एवरेज, क्योंकि डिशवॉशर जो है वो यूजुअली जो भी कस्टमर है वो दिन में या रात में एक ही बार इस्तेमाल करते हैं। जैसे हम वॉशिंग मशीन तो कभी कभी दो बार भी लगा लेते हैं, पर डिशवॉशर दो बार जनरली कोई यूज नहीं करता। इसका टाइम भी ज्यादा होता है, पावर कंजम्पशन भी है, और इसमें वो लोग सोफिस्टिकेटेड टाइप के ही बर्तन धोते हैं, जो कि मेरा महंगा क्रॉकरी है, मैं मेड को दिया, उसने हाथ से स्लिप कर दिया, एक उसका प्लेट टूट गया, मेरा पूरा सेट चल जाता है। तो इसके लिए उन लोग ये ज्यादातर यूज करते हैं, ठीक है। अभी वॉशिंग मशीन जो कुछ है, एक यूनिट होता है इलेक्ट्रिक कैपेसिटी अभी जो हम बात बोल रहे थे ना, इसे पानी डालना नहीं डालना, मैंने डिटर्जेंट ये भर दिया और जब मैं इसको ऑन करूंगा तो ये शुरुआत दौर में दिखाएगा कि सॉल्ट नहीं है, इंडिकेट आएगा, लेकिन जब मैं मशीन ऑपरेट करूंगा और वो लिक्विड मिक्स होगा तो वो चला जाए। अगर आप पहले पानी डाल दोगे तो आपके ऑन करने पे ही वो चला जाए। दिस इज द डिफरेंस कि हम पानी डालें या ना डालें, कोई और फर्क नहीं। क्लियर हुआ ना, हम कितना पानी डालना, क्या करना, उसका पर्पज क्या है। ओके, यहाँ पे रिनसेट भर्ती किया, वहां पे वो भर्ती किया और इसको क्लोज कर दिया। डिटर्जेंट की क्वांटिटी मैक्सिमम 25 ग्राम डालना है, मैक्सिमम 25 ग्राम लिखा है, लिखा रहता है, हाफ लोड फुल लोड करके 15 ग्राम 25 ग्राम लिखा रहता है। बट 25 ग्राम के लिए इसमें ना आपको एक स्कूप मिलता है, वो उसमें भी मार्किंग रहता है, तो इजी है कि ऐसा नहीं पता चलता इसका अंदर में स्पून रहता है या अलग से स्पून मिल लेता है। नेचर का क्यों फुल फिल होता है, हमने उसमें 1 किलो भर दिया, रिंस भी हम इसमें भर देंगे। यहाँ पे साइड ग्लास है, उसमें दिखना शुरू हो जाएगा, उसके बाद बंद कर देंगे। उसमें से कितना रेजिन ऐड होना है वो मशीन डिसाइड करे, रिंस एड कितना ऐड होना है वो मशीन डिसाइड करे। ओके, ये वन टाइम फिलिंग है, ये एवरी वॉश का फिलिंग है। ओके, डिटर्जेंट एवरी वॉश का फिलिंग है, रिंस एड और सॉल्ट वन टाइम फिलिंग है, अंटिल अनलेस वो खत्म नहीं होता, कंज्यूम नहीं हो जाता। जब वो इंडिकेट करेगा तभी बनना है, जब इंडिकेट करेगा तभी बनना है, कस्टमर को भी पता है जब इंडिकेट करेगा तो मुझको भर्ती करना है, मेरे पास लार्ज पैकेट में है और उसको दोबारा से भर्ती करना। क्लियर है सर? ये तो हमने डाल दिया, इसके बाद आता है हमारे पास लोडिंग, यूटेंसिल्स की लोडिंग। अभी आप एक सवाल पूछ रहे थे जो बहुत बढ़िया सवाल था, एक्चुअली ये चीज़ पता होनी चाहिए। जैसे वाटर के लीटर में, फ्रिज या डीप फ्रीजर सब ऐसे लीटर में आता है, वॉशिंग मशीन केजी में आता है, डिश वॉशर प्लेस सेटिंग आता है, PLACE प्लेस सेटिंग, कितना इसमें प्लेस है, कितना जगह है, तो प्लेस सेटिंग आता है। वन प्लेस सेटिंग का कुछ आपने कभी देखा होगा, हमारे पास ज़्यादा अभी भी चलता है डाइनिंग सेट बोलते हैं हम उसको, डिनर सेट बोलते हैं उसको। उसमें कुछ होता है कि एक बड़ा थाली रहेगा, एक क्वार्टर प्लेट रहेगा, एक बॉल रहेगा, एक फोर्क रहेगा, एक वो आपका स्पून रहेगा, टेबल स्पून रहेगा, एक ऐसे कुछ करके वो सेट बनाते हैं। तो इसी तरीके से एक क्वार्टर प्लेट, एक बड़ा प्लेट जो होता है 10 इंच में आता है, 12 इंच में आता है, नॉर्मली जो चलता है वो 10 इंच का प्लेट चलता है। तो 10 इंच का प्लेट, एक क्वार्टर का प्लेट, उसके बाद एक बॉल, एक फोर्क और एक ग्लास लाइन, एक लाग, एक सूप बोल, एक सूप का वो चम्मच, ऐसा मिला करके दैट इज कॉल्ड इन अ सिंगल प्लेस, सिंगल प्लेस। अगर मैं बोलता हूँ ये मशीन 8 प्लेस सेटिंग की है, तो ऐसा ऐसा 8 इसमें एक बार में वॉश हो सकता है। ओके, 8 बार में 8 सेट, 8 प्लेस
एक प्लेस में मैंने आपको बताया ना, एक क्वार्टर, एक 10 इंच, एक फोर्क, एक नाइफ और एक स्पून, ऐसे करके टोटल ये 11-13 आइटम होते हैं। मैं आज गिव यू द प्रेजेंटेशन, उसमें मैं आपको दे देता हूँ उसमें क्या क्या आइटम होते हैं, आप उसको काउंट कर सकते हैं। 14 प्लेस सेटिंग है, हाँ, एक प्लेस में क्या क्या चीजें आती है। तो अगर मैं बोलूँ 8 प्लेस का है तो वो एक प्लेस जैसे मल्टीप्लाई बाय 8 वो वन टाइम में इसमें वॉश कर सकते हैं। क्लियर है सर? तो प्लेस सेटिंग जो है वो इसका कैपेसिटी होता है किसी भी डिश वॉशर का, चाहे वो किसी भी ब्रांड का, दैट इज इट। तो 12 प्लेस सेटिंग, 14 प्लेस सेटिंग, 8 प्लेस सेटिंग, 15, 16 प्लेस सेटिंग, इस तरीके से डिश वॉशर की कैपेसिटी है। ये 14 प्लेस सेटिंग है। ओके, अब इसमें ये कितना प्लेस सेटिंग का, ये कैसे 14 प्लेस कैसे तुम लोगों ने पता लगाया? अच्छा, उधर लिखा ठीक है। तो अब इसमें जैसे 14 प्लेस सेटिंग लिखा है तो ये इसमें 14 सेट ऑफ दोस यूटेंसिल्स कैन बी वॉश इन अ सिंगल टाइम। क्लियर है सर? अब आते हैं हम इसमें, हमने ये पता लगा लिया कि किस टाइप के वॉश कर सकते हैं, ये पता लगा लिया कितने कर सकते हैं, ठीक है। अब आता है उनका लोडिंग। कभी भी जब आप लोड कर रहे हैं तो इधर दो रैक है। अब हमारे पास जो हम जो डिश वॉशर आता है दैट इज द प्लेस सेटिंग में, बट प्लेस सेटिंग में सिर्फ हम उन बर्तनों की बात कर रहे हैं जिन बर्तनों में हम कंज्यूम कर रहे हैं फूड। कुकिंग जिसमें किया उसकी हमने इसमें कहीं बात नहीं करी प्लेस सेटिंग में, अंडरस्टैंड। तो प्लेस सेटिंग में कुकिंग वाले बर्तन की बात नहीं हुई, बट हम उसे भी धोते हैं। तो जब हम बात करेंगे यहाँ पे तो जिसमें ज़्यादा चिकनाई है, जो ज़्यादा थोड़ा सा डर्टी है बर्तन और बड़ा है, साइज में बड़ा है, उसको हम नीचे लगाएं, ठीक है। और उसके बाद जो छोटे बर्तन है उनको हम ऊपर लगाएं। उसी हिसाब से इसके जो रैक है वो डिजाइन किए जाते हैं। अगर आप रैक देखोगे तो उसका रैक का हाइट और इसका रैक का हाइट में फर्क है। उसका रैक में जो डिस्टेंस है और इसके रैक में जो छोटा छोटा डिस्टेंस है वो फर्क है। तो जनरली जो ये जगह होती है, ये जगह होती है ग्लास के लिए, कोई ग्लास हो प्लास्टिक वाला या देख लेंगे तो वो रख सकते हैं। एक बार देखा ना कोई प्लास्टिक का ग्लास पड़ा है, कोई भी ग्लास पड़ाओ जस्ट फॉर सर्वाइवल, ठीक है। ये जो चीजें यूज होती है कटलरी के लिए भी यूज कर सकते हैं, कटलरी चम्मच ठीक है। कटलरी मेरे पास एक वो बड़ा चम्मच है, मैं एक इधर रख, ठीक है। और इधर भी हम यहाँ पे भी इसको जैसे सेटिंग कर सकते हैं ना ऊपर नीचे करके, यहाँ पे भी अगर मेरे पास कुछ स्मॉल बाउल्स है दैट ऑल्सो कैन बी कैन लिया। जो भी चीज इसमें ये जो ये दिया हुआ है आप इसमें, तो अगर मैं बात करता हूँ कि ये मेरा एक कोई प्लेट है तो मैं इसको इस तरीके से रख सकता हूँ। ये मुझे नहीं भी यूज़ करना तो हटा भी सकता इस तरीके से, इसी के पीछे दूसरा तीसरा पेपर। और अगर बाउल करेक्ट सर, थैंक यू वेरी मच, जैसे एक कप है मैं यहाँ लगा सकता हूँ, ग्लास है मैं इसको यहाँ लगा सकता हूँ, अंडरस्टैंड। तो इस तरीके से अगर मेरे को डबल है तो कुछ इधर नीचे रख के कुछ ऊपर रख करके इस तरीके से लगा सकता। मैंने आपने देखा मैंने सारे बर्तन उल्टे रखे और ये फिक्स है कि एडजस्टेबल है, रिमूवेबल है, आपको नहीं जरूरत है हटा दो। ओके, ये भी रिमूवेबल है, हाँ वो ऊपर नीचे भी होता है और हटा भी सकते हैं। उसके अलावा अभी आपने ये देखा खास में मैंने सारा कप ग्लास सब उल्टा रखा, क्यों रखा था उल्टा? बात तो नीचे से नहीं, शावर नीचे से ही आएगा और जो भी इसका गंध है वो ऊपर से स्लिप हो गया नीचे। तो ये चीज तो हमें समझ हो गया कि हमें सारा बर्तन जितना भी लगाना है वो सब अपवर्ड्स उल्टा करके लगा, गार्डन में पानी डालता है ना ऐसा ही, तो सारा बर्तन हमें उल्टा करके लगाना। नीचे हम बड़ा बर्तन लगाएंगे, ऊपर छोटा बर्तन लगाएंगे। दूसरी बात, जब नीचे बर्तन लगाएंगे वो वॉश उसका नीचे का प्रेशर ज़्यादा रहेगा तो उस वहाँ पे ज़्यादा स्टिकी बर्तन ज़्यादा अच्छे से साफ होगा। क्लियर हुआ यहाँ तक लोडिंग का? लोडिंग करने के बाद ये कटलेरी सेट के लिए आता है, आपके पास बहुत सारा है, आप इसको खोलिए और खोलने के बाद इसमें डाल करके बंद कर दीजिए, इसको कहीं पर नहीं इसका यूज है तो इसको हम बाहर निकालते हैं। हमारे पास ज्यादा कटलरी नहीं, ज्यादा कटलरी है तो प्लेस सेटिंग में आता था इतना कटलरी होता है, पर
ये हमने जब लगाया तो हमें जब इसको हम इस तरीके से एक दो बार चला के देखेंगे बर्तन लोड करने के बाद, हमारा जो यूटेंसिल जो हमने इसमें लोड किया है वो ना तो साइड से टच होना चाहिए ना किसी ऊपर से टच होना चाहिए, ठीक है। तो ये तो हम पहले देख रहे हैं कि टच तो नहीं हो रहा, नहीं टच नहीं हो रहा, ओके चलो टच नहीं हो रहा तो फिर मैं एक बार इसको ऐसे घुमा के देखूंगा। ये फ्रीली मूव कर रहा है, हाँ फ्रीली मूव कर रहा है, ये भी होना चाहिए ऐसे ही। नीचे वाला भी मैं एक बार घुमा के देखूंगा, ये एटलीस्ट एक राउंड तो फ्रीली मूव हो रहा है, तो हो रहा है, मस्त हो रहा है, दैट मीन्स कि लोडिंग परफेक्ट हो गया, ठीक है, लोडिंग परफेक्ट हो गया। अब मैंने मशीन को बंद किया है, डोर क्लोज किया, पावर मैंने ऑन कर रखा है, रीजनरेशन सेटिंग। हाँ, इस मशीन के साथ आपको एक कैटलॉग आएगा जो इंस्ट्रक्शन मैनुअल रहता है, उस इंस्ट्रक्शन मैनुअल के अंदर एक आपको वाटर हार्डनेस टेस्टर स्ट्रिप मिलेगा, ठीक है, वो सिंगल स्ट्रिप मिलेगा, एक मशीन के साथ एक ही मिलेगा, हार्डनेस टेस्टर, हार्डनेस टेस्टर वो लिटमस की स्ट्रिप होती है, वो अमेजोन से मंगाओगे 80 रुपए में 100 से पार। टीडीएस टेस्टर पे लॉट चलता है, तो वो क्या करना है कि टीडीएस टेस्टर, टीडीएस टेस्टर भी रख सकते हैं, बट अभी उन्होंने जो लिटमस दिया है उसके अकॉर्डिंगली इसमें सेटिंग के लिए आपको मैनुअल में गाइड, उसमें 5 डॉट होते हैं, तो जो 5 डॉट स्ट्रिप आएगा उस स्ट्रिप पे 5 डॉट होता है, 5 डॉट, ओके। आपने क्या करना है, इसको जिस टैप से आपने कनेक्ट किया है, घर में तो एक ही वाटर सप्लाई होना जरूरी, आपको उसको पानी लेना है और इसमें उसको डिप करना है, ज्यादा ज्यादा 30 to 45 सेकेंड, 30 सेकेंड में ही आ जाता है। फिर वो क्या करेगा, उसका 5 डॉट में से कितना डॉट ने कलर जो है चेंज किया है, ठीक है, वो आपको काउंट तो दिखेगा, ओके इसमें 3 ने कलर चेंज किया, इसमें 2 ने कलर चेंज किया, या इसमें 1 ने कलर चेंज किया, जितना ने कलर चेंज किया उतना आपको दिमाग में या आपके पास वो है, उसके हिसाब से हम इसके में सेटिंग करेंगे किसका, रेजिन जो हमने सॉल्ट डाला था उसमें से कितना परसेंट वो सॉल्ट इसमें ऐड हो वो हम सेटिंग यहाँ पे करेंगे, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन सेटिंग, ठीक है। रीजनरेशन सेटिंग के लिए प्रोग्राम कौन सा था, मैं तो भूल ही गया, अंदर भी है दूसरा क्या है कि 50-60 लीटर पानी आता है, 50-60 लीटर पानी आने के लिए एक सर्टेन टाइम डिसाइडेड है, वो प्रेशर नहीं होने से पानी स्लो आएगा और उसके लॉजिक्स डिफरेंट है कि अगर पानी नहीं आया या फ्रीक्वेंसी चेंज हुई या फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई, फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं हुई तो अनदर वाटर, फ्रीक्वेंसी चेंज हो गई तो अनदर वाटर, इसी के बेस पे वो नो वाटर इनलेट का एरर देता है, करेक्ट है। इसमें भी वही प्रेशर चाहिए बट इसमें पानी का जो लेवल जो है ना वो वाटर सेंसर से या वाटर प्रेशर से सेंस नहीं है, वाटर प्रेशर वाला या वाटर सेंसर उस टाइप से नहीं लगा हुआ जैसा वॉशिंग मशीन में, नहीं घूम रहा, उसकी आरपीएम नहीं बढ़ रहा, उसके फ्रीक्वेंसी नहीं जनरेट हो रही, तो फ्रीक्वेंसी नहीं जनरेट होगी तो इसमें एरर आएगा, वाटर नहीं लगेगा।